दोस्तों, महीनों पहले जब हमने आपको मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े शूटर मुन्ना बजरंगी की कहानी को सुनाया था, तो उस कहानी में हमने बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय का जिक्र भी किया था। इसके बाद अब जब हमने आपको संजीव जीवा की कहानी को सुनाया है, तो अभी भी हमने कृष्णानंद राय का जिक्र किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह कृष्णानंद राय है कौन, और जब भी मुख्तार अंसारी का जिक्र आता है तो कृष्णानंद राय का नाम सामने क्यों आ जाता है? क्या है कृष्णानंद राय की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की कहानी कमोबेश वैसी ही है जैसी कहानी विधायक राजू पाल की थी, जिसका मर्डर अतीक अहमद ने करवा दिया था। विधायक राजू पाल वाले कहानी में हमने आपको बताया था कि अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिमी से विधायक बन रहा था। वह उस सीट से 5 बार विधायक चुना गया था। इसके बाद साल 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वह विधायक पद से रिजाइन देकर सांसद के लिए फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और वह सांसद भी बन गए। जब सांसद का चुनाव लड़ने के लिए वह विधायक पद से साल 2004 में रिजाइन किए थे, तब प्रयागराज पश्चिमी का सीट खाली हो गया था और इस सीट पर अब उपचुनाव होने थे। साल 2004 में इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई तो वहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए अतीक अहमद ने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा। उसके सामने थे बसपा के कैंडिडेट राजू पाल। राजू पाल इस उपचुनाव को आसानी से जीत गए और 4000 वोटों से अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर विधायक बन गए। साल 1991 से लेकर 2004 तक 13 सालों के दौरान अतीक अहमद कोई भी चुनाव नहीं हारा था, इसलिए उसके सांसद रहते जब उसकी भाई की हार हुई तो ये हार अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर सका। साल 2004 के अक्टूबर महीने में राजू पाल विधायक बने और अगले ही महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन राजू पाल इस हमले में किसी तरह से बच गए। इसके बाद फिर दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस समय भी राजू पाल बच गए और खुले तौर पर मीडिया में यह बयान दे दिए कि मुझे सांसद अतीक अहमद से जान का खतरा है और वह मुझे कभी भी मार सकते हैं। बसपा के विधायक राजू पाल की कही हुई बात सच साबित हुई और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। राजू पाल को इस बार कई गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीधा आरोप लगा समाजवादी पार्टी से सांसद अतीक अहमद के ऊपर। एक बाहुबली सांसद ने जनता द्वारा चुने गए एक विधायक को सिर्फ इसीलिए मरवा दिया क्योंकि वह उसके ईगो को हर्ट कर रहा था। ये तो कहानी हो गई विधायक राजू पाल की। वैसे हमने आपको विधायक राजू पाल के कहानी को विस्तार से इस वाले वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये तो हो गई कहानी विधायक राजू पाल की। यही कहानी सिर्फ 10 महीनों के अंदर यूपी में एक बार फिर से दोहराई गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार किरदार बदल गए थे। उस कहानी में विधायक राजू पाल थे और इस कहानी में है विधायक कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत की कहानी विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि यूपी के बाहुबली राजनैतिक पावर के महत्व को समझते हैं और वे किसी भी तरह से इसे खोना नहीं चाहते हैं, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से साल 2002 में अपने भाई अफजाल अंसारी की सियासी हार माफिया मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर यह आरोप लगा कि अपने भाई की हार से बौखला कर ही चुनाव जीतने वाले पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और उनके लोगों को ठिकाने लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी का नतीजा रहा कि फरवरी 2004 से नवंबर 2005 के बीच कृष्णानंद राय और उनके खेमे के 15 लोगों की हत्या कर दी गई। लगभग इन सभी मामलों में बाहुबली माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को नामजद किया गया था।
ये किस्सा शुरू हुआ था साल 2002 से। इस साल जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी का भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी चुनाव हार गया था। यूपी के पूर्वांचल में वर्चस्व के लिए खूनी जंग का एक लंबा इतिहास रहा है। साल 1996 और 1999 में गाजीपुर लोकसभा का चुनाव मनोज सिन्हा ने जीता था। दोनों ही चुनावों में मनोज सिन्हा को कृष्णानंद राय और उनके लोगों ने खुला समर्थन दिया था। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी को यह बात पसंद नहीं आई थी। इस बीच इस दुश्मनी में नया मोड़ उस समय आया जब साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी विधायकी का चुनाव हार गया और कृष्णानंद राय विधायक बन गए। इस बीच इस दुश्मनी में नया मोड़ उस समय सामने आया जब साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से अफजाल अंसारी विधायकी का चुनाव हार गए। गाजीपुर में मनोज सिन्हा के बढ़ते वर्चस्व और कृष्णानंद राय की जीत से मुख्तार अंसारी का खेमा बौखला गया था। साल 2004 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो खूनी जंग एक बार फिर शुरू हुई। फरवरी 2004 में कृष्णानंद राय के खास रहे अक्षय कुमार राय उर्फ टुनटुन पहलवान की गाजीपुर में सरेआम हत्या कर दी गई। 26 अप्रैल 2004 को कृष्णानंद राय के करीबी झिनकू की भी हत्या कर दी गई। फिर मोहम्मदाबाद रेलवे फाटक के समीप भाजपा कार्यकर्ता शोभनाथ राय की भी मुख्तार अंसारी के लोगों ने हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी के लोगों के द्वारा लगातार कृष्णानंद राय के लोग मारे जा रहे थे। गाजीपुर में यह वो दौर चल रहा था जब गैंगवॉर यहां पर हर दिन की कहानी हो गई थी। लोगों के बीच यह काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया था कि अब इसका कुछ भी इलाज नहीं होने वाला है। मुख्तार अंसारी का मोटिव साफ था कि किसी भी तरह से भाजपा के नेता और विधायक कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना है। इसके लिए वह पहले उनके खास लोगों को रास्ते से हटाना शुरू किया और देखते ही देखते करीब 6 महीनों के भीतर ही 15 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। यूपी में ये वो दौर था जब माफिया खुलकर अपना खेल खेलते थे और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। राज्य की कानून व्यवस्था को वह अपने जेबों में लेकर घूमते थे। मुख्तार ने जब ये देख लिया कि अब कृष्णानंद राय के लगभग सभी साथी रास्ते से हटाए जा चुके हैं और अब बारी उसी की है, तो वह यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और साल 2005 के अक्टूबर महीने में एक मामले में अपनी जमानत रद्द कराकर वह जेल चला गया। अब आता है साल 2005 और तारीख है 25 नवंबर की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी उनके गाड़ी के सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं बचा था जहां गोली ना लगी हो। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस शूट आउट में विधायक कृष्णानंद समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। इस वारदात को अंजाम देने वालों में मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटरों में मुख्य रूप से अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर, संजीव जीवा माहेश्वरी, मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, विश्वास नेपाली और रिंकू तिवारी शामिल थे। इनमें से मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे, रिंकू तिवारी और संजीव जीवा मारे जा चुके हैं। वहीं अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर अब भी फरार है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसी तरह से विश्वास नेपाली भी फरार है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। तो यही थी भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर की पूरी कहानी, जिसे मुख्तार अंसारी के गैंग ने अंजाम दिया था और संजीव जीवा के कोर्ट के अंदर मारे जाने से यह घटना एक बार फिर से जीवंत हो उठी थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।